नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। पंजाब में विधानसभा उपचुनाव से पहले श्रोमणी अकाली दल को बड़ा झटका लगा है। अकाली दल के सीनियर नेता सोहन सिंह ठंडल ने पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सोहन सिंह ठंडल चब्बेवाल से विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार होंगे। सीनियर नेता सोहन सिंह ठंडल माहिलपुर और चब्बेवाल विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रह चुके हैं। हरियाणा का चुनाव परिणाम आने के बाद अब भाजपा फिर से महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों में आरएसएस का समर्थन चाहता है। बता दें कि 25 और 26 अक्टूबर को होने वाली इस बैठक में समसामयिक विषयों पर चर्चा होगी और साथ ही मार्च 2024 में हुई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में निर्धारित वार्षिक योजना की समीक्षा और संघ कार्यों के विस्तार को लेकर भी चर्चा होगी। बैठक में विशेषकर संघ शताब्दी निमित्त सुनिश्चित संगठनात्मक लक्ष्यों को विजयदशमी 2025 तक पूर्ण करने के संबंध में विचार विमर्श होगा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर आज गुरुवार को 7 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने करहल से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव के खिलाफ अनुजेश यादव को उतारा है और पार्टी की ओर से जारी सूची के मुताबिक गाजियाबाद से संजीव शर्मा, फूलपुर से दीपक पटेल, कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, खैर से सुरेंद्र दिलेर, कटहरी से धर्मराज निषाद और मंझवा से सुचिश्मिता मौर्या को टिकट दिया गया है। हरियाणा विधानसभा का सत्र कल 25 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। इस बारे में हरियाणा विधानसभा सचिवालय की तरफ से सूचना दी गई है। रघुवीर सिंह कादियान को सत्र के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है और रघुवीर सिंह कादियान सत्र की शुरुआत पर विधायकों को सबसे पहले पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सूत्रों की माने तो सरकार दिवाली के बाद 3 से 4 दिन का शीतकालीन सत्र भी बुला सकती है और इस दौरान कई अहम बिल भी विधानसभा में पेश किए जा सकते हैं। इनमें सेवानिवृत्ति तक नौकरी की गारंटी विधेयक और शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण से जुड़े विधेयक पेश हो सकते हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस ने कैथल के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान बाता निवासी अमित उर्फ नाथी के रूप में हुई है। गिरफ्तार युवक पर आरोप है कि उसने निशान अख्तर को फरारी दौरान कैथल और करनाल में एक मकान किराए पर लेकर बना दी थी। इसके साथ ही वह गुमेल और निशान अख्तर से बात भी करता था, जिसका खुलासा उसकी मोबाइल कॉल डिटेल से हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक सत्कार कौर पर बड़ा एक्शन लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने विधायक सत्कार कौर गहरी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। भाजपा ने सत्कार कौर पर 6 साल का बैन लगा दिया है। गौरतलब है कि सत्कार कौर 2017 से 2022 तक फिरोजपुर ग्रामीण से विधायक रही हैं और कल ही उन्हें ड्रग मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि कोर्ट में पेश होने से पहले सत्कार कौर ने कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है। बता दें कि पंजाब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नाके के दौरान पूर्व विधायक सत्कार कौर गहरी और बरिंदर सिंह नाम के शख्स को रोककर जांच की और इस दौरान पुलिस ने मौके से 100 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। इस मामले में अभी भी जांच जारी है। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों, रिटायर्ड कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% तक बढ़ाते हुए 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया है और इस संबंध में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने पत्र जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले से 4 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और इस समय प्रदेश में 2,75,000 सरकारी कर्मचारी हैं, जबकि 1.5 लाख के अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। 1 जुलाई से संशोधित महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। DO/DR का भुगतान अक्टूबर के वेतन और पेंशन के साथ किया जाएगा। जुलाई से सितम्बर महीने का बकाया दिसंबर तक भुगतान किया जाएगा और वहीं सरकार की ओर से ग्रुप डी के कर्मियों को ब्याज मुक्त अग्रिम त्योहारी राशि दी जाएगी। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं और इस दौरान उनके व्यापार, हरित ऊर्जा, द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक वार्ता हो रही है। वहीं पीएम मोदी और जर्मन चांसलर शोल्ज कल 25 अक्टूबर को 7वें अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान चांसलर शोल्ज के साथ उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद रहेंगे। दोनों नेता कल 25 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित जर्मन बिजनेस के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। अपनी पार्टी के इस्तीफे के दबाव के बीच ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बड़ा फैसला लिया है। ट्रूडो ने हाल ही में विदेशी कामगारों की संख्या में कमी लाने की घोषणा की है, जिससे वहां रह रहे अप्रवासी भारतीयों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारतीयों के लिए यह निर्णय विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि कनाडा में काम पाने के लिए पहले से ही उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। बता दें कि कनाडा में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। ट्रूडो को अपनी ही लिबरल पार्टी के सांसदों ने उनके खिलाफ खुलकर बगावत कर दी है और इस्तीफा देने की मांग की है।
आज चक्रवाती तूफान दाना के पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों से टकराने की आशंका है। इस तूफान को देखते हुए भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल ने एहतियाती कदम उठाए हैं। समुद्र में जान माल की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मछुआरों से तुरंत तट पर लौटने का आग्रह किया गया है। भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल ने अपने जहाज और विमान तैनात कर दिए हैं, जो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। वहीं तूफान के कारण आज और कल कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी।